नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि की खबरों का मेगा बुलेटिन अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मतगणना से पहले। बीजेपी ने 7 मार्च को अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बुलाई है। बैठक में राज्य भर के सभी बीजेपी प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंत्री शिरकत करेंगे। बैठक प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में होगी, जहाँ प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। नहीं, वस्तुतः तो एजेंडा जो है मतगणना के विषयों को लेकर ही रहेगा। मतगणना की तैयारियां कैसी चल रही हैं, मतगणना की तैयारियां ठीक प्रकार से रहें, व्यवस्थित रहें, जो जो उसमें मतगणना अभिकर्ता मतगणना उसमें स्थल पे जाने वाले हैं उनकी तैयारी सही प्रकार से रहे, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा रहेगी। हाँ, मतगणना अभिकर्ता अभी बन रहे हैं और चूँकि प्रशासन से अभी जो है अभिकर्ता बनाने का विषय एक आध दिन पहले ही आया है, वो हमारे सभी लोग 70 विधानसभाओं में मतगणना अभिकर्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है और लगभग अगले 2 दिनों में वो पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का आरोप है कि 5 राज्यों में चुनावी आचार संहिता प्रभावी है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश में मतदान के बाद पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान हो रहा है। वहीं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे पेज में बयान छापा जा रहा है, जिसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी शामिल है, जिसको सीधे तौर पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला मानते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में 2 पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज़ है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। जो वायलेशंस का जो कंप्लेंट्स हमें फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस कंटिन्यूसली आते रहे हैं, बहुत सारे चीज इसमें FIR भी उस पर लगी है, जहाँ पे वो कोई प्रॉपर लीगल एक्शन जहाँ पे डिमांड करता है वहाँ पे लीगल एक्शन दिया जाता है और जहाँ पे एडवाइजरीज कोई प्रॉपर लॉ का कोई उल्लंघन नहीं है वहाँ पे एडवाइजरीज भी दिए जाते हैं। रुद्रप्रयाग में जिला मुख्यालय स्थित गुलाब राय में दशकों पुराना जल स्रोत रेल परियोजना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही शहरवासी खासा परेशान है। इस जल स्रोत से दूर दराज से लोग पानी भरने के लिए आते थे, जबकि गर्मियों के समय में जब नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है तो सभी लोग इसी जल स्रोत से प्यास बुझाते थे, मगर अब ये भी खत्म हो चुका है, जिस कारण लोगों को भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। ये पानी कभी बंद ना, ऐसे ही देखा जिंदगी भर इतना पानी, रोपाई करते थे खेतों में, सिंचाई करते थे, पर क्या करना है, अब तो बहुत मुसीबत हो गई। सारी दुनिया पानी पीने के लिए यहाँ पर आती थी, अब क्या करें। ये काम लगा नहीं, यहाँ पे रेलवे का लग गया, ये बहुत काम लग गया, बोले यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ गया वो पानी, क्या किया उन्होंने। सर, हमारी 60 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है गुलाब राय में। तो हमारे पैतृक जो गांव था चिमतोली था, हम लोग इस पानी की वजह से यहाँ आए थे। तो हमारी 7 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है। अभी रेलवे के काम से हमारा सारा पानी यहाँ से ज़मीन नीचे बैठ गया है। हम सरकार से चाहते हैं हमें पानी द्वारा मुहैया कराया जाए। 3 हफ्ते से तो पानी बिल्कुल बंद हो गया, ज़्यादा सात पीढ़ियों से, 7-8 पीढ़ियों से पानी चल रहा है यहाँ। भाड़ादार और रुद्रप्रयाग, पुनार सब यहाँ से पानी ले आते थे, यात्रा सीधा यहाँ से चलते थे, सब गाड़ियाँ रुकते थे इस पानी की वजह से। और जब से पानी बंद हुआ तब से पानी का धारे जो आ रहे खाली करके जा रहे हैं, खाली मुँह देकर जा रहे हैं। तो हमको तो बहुत दुखी बात, हम पानी पिएंगे कहाँ से, अभी बहुत दिक्कत होती है। यात्रा सीजन के समय में वो गाड़ी यहाँ से लाइन लगा कर रुक जाती थी।
गदरपुर क्षेत्र के शंकर नगर गांव की खराब सड़कों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। इसी मौके पर सतीश बत्रा ने कहा कि वो खुद शंकर नगर मार्ग पर धरने पर बैठे हैं क्योंकि ये सड़क पिछले 10 साल से टूटी हुई है और किसी भी सरकार ने आज तक सुध नहीं ली। मजबूर होकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए हम लोगों ने इस सड़क पर सांकेतिक धरना दिया है। पहले तो बत्रा दंपति को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर आकर के एक सामाजिक सरोकार को लेते हुए अपनी बात को रखा है, जबकि उनका न गांव है न कोई चीज़ और है, सिर्फ ये हमारे पूर्व जो है अभिभावक हैं, इनके बच्चे हमारे पास पढ़े थे और इनसे कंसर्न है ये बहुत पूरे शहर के, कम से कम शहर और पूरे इलाके के कम से कम जो है 50 गाँव के बच्चे हमारे यहाँ यहाँ पढ़ते हैं। रास्ते की स्थिति आप पहले से जानते ही हैं, कई बार डाला गया है इसमें कि 10-15 पिछले 6-7 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बत्रा दंपति का, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास जो है वो पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष जो है जयकिशन अरोड़ा जी हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं राजेश डाबर जी हैं, बाकी सारे लोग हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस सामाजिक सरोकार को उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा ये कहना है कि ये 2014 में इस सड़क का निर्माण हुआ था और उसके बाद ये सड़क आज 9 साल हो गए हैं और सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि अगर कोई भी सड़क पर जाएगा तो देखकर हैरान हो जाएगा। मेरे ख्याल हम ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 100 साल पीछे को चले गए हैं इस सड़क को देखकर। मतलब यहाँ करीब मोनार स्कूल इसी रोड पर है, करीब 1400 बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं नर्सरी से लेकर इंटर तक के, और बच्चों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में सड़क में मालूम नहीं चलता कि खड्डा है या सड़क है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी पवन चौहान के बेटे दिव्यांशु चौहान यूक्रेन के सूमी शहर में MBBS की पढ़ाई करने गया था। दिव्यांशु के परिजनों का बच्चे की चिंता की वजह से बुरा हाल है। दिव्यांशु अपने दोस्तों के साथ डर के साए में यूक्रेन में जीने को मजबूर है। परिजनों से वीडियो कॉल में दिव्यांशु ने बताया कि वो कॉलेज के हॉस्टल में ही है लेकिन शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण बाहर जाना मना है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सभी भारतीय छात्र को सकुशल भारत लाया जाए। हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी बुलाया जाए और वहाँ स्थिति ज़्यादा ख़राब है, हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी खतरा है, इसलिए सरकार से बार बार यही मांग है हमारी कि जल्दी जल्दी हमारे बच्चे के साथ और जो देशवासी फंसे हुए हैं उन सबको भी बुलाया जाए। तो ये स्थिति यह है कि एक अपने रूम में है, उससे बाहर नहीं निकल सकते और बाहर जाने पर गोली मारने का आदेश है, इसलिए बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो कृपा करके उन्हें बुलाएं। दिव्यांशु कुमार चौहान और दूसरा साल चल रहा है। लास्ट टाइम लगभग 6 महीने पहले। ठीक है, अभी तो परेशानी है खाने पीने की, पीना ऐसी हो रहा है, ज़्यादा मिल भी नहीं पा रहा है, फिर परेशानी है, इसे बुला लिया जाए। हमारी सबकी मांग है कि जितने भी यूक्रेन में भारतीय छात्र हैं सबको यहाँ बुलाया जाए जल्दी से जल्दी। तो वहीं लक्सर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन पुलिस को चुनौती देते हुए क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर रात लक्सर के मुबारकपुर अलीपुर गांव में दून रॉक गोल्ड एकेडमी स्कूल में अज्ञात चोरों ने स्कूल का शीशा तोड़कर स्कूल के अंदर इन्वर्टर, जनरेटर का आर्मरेचर, स्कूल बस की बैटरी और अन्य सामान चोरी कर लिया। सुबह होने पर जब स्कूल संचालक स्कूल में पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली। वहीं स्कूल संचालक ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। की घटना है सर ये, इसमें रात कुछ अज्ञात बंदे आए, उसमें चोरी करके ले गए हैं स्कूल से, दून रॉक गोल्ड एकेडमी मुबारकपुर में है ये। मैं नितिन चौधरी और इसकी तहरीर कोतवाली में दी है मैंने अभी, और जैसे कि देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इस पर। और जैसे कि जो चोरी हुई है वो हमारा जनरेटर है, इन्वर्टर है, शीशा तोड़ के, सामने से शीशा तोड़ के चोरी की गई है और चोरों के भी काफ़ी हौसले बुलंद दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्वक बैठ के आराम से चोरी की। अब पुलिस को मैंने तहरीर दी है, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। हरिद्वार में कई राज्यों से आए कांवड़ यात्रियों के कारण हर की पौड़ी पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
बता दें कि फागुन मास के महाशिवरात्रि पर्व पर हरिद्वार में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री हर की पौड़ी से गंगा जल ले जाते हैं और अपने क्षेत्र में बने शिवालय पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इन कांवड़ियों की तरफ से हर की पौड़ी पर छोड़े हुए प्लास्टिक के जूते, चप्पल और कपड़ों के कारण हर की पौड़ी के गंगा घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे साफ करने के लिए हर की पौड़ी की गंगा सभा को खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। गदरपुर के एक अस्पताल में जच्चा बच्चा को लाने के बाद लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी रिश्तेदार महिला, जो कि उनकी बहू लगती है, उसे दिनेशपुर में नवयुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों की तरफ से सिजेरियन ऑपरेशन की बात कही गई, लेकिन डॉक्टर कई घंटे बाद भी नहीं पहुंचे, जिसके चलते नवजात की मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने नवजात शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। यह है कि ये हमारी घर की बहू थी और करीबन लगभग 9:30 बजे उनको पैन हुआ था, डिलीवरी होनी थी उनकी। तो हम लोग जैसे ही उनको लगभग 15 से 20 मिनट में, हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में, तो हमें बताया गया था कि आशा द्वारा कि यहाँ पे जो है सारी सुविधाएं हैं, बच्चों का मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कि सर्जन वगैरह सब कुछ है, अगर कोई दिक्कत आई तो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वही सोच के यहाँ पे लेके आए थे कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, और हम तो यही मतलब दुआ करके आए थे कि हमारा जच्चा बच्चा दोनों सलामत होंगे, तभी हम इस हॉस्पिटल में लेके आए थे उनको। अब डॉक्टर यहाँ पे थे नहीं फिलहाल, तो इनको बोलना चाहिए कि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो अब हम तो यही कहेंगे कि इनकी लापरवाही से ही हुई है जो हुई है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि देखिए आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से यही मांग है कि इनकी अच्छे से इंक्वायरी करें। उधम सिंह नगर में एलटी लेक्चरर की परीक्षा में मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर काम करने वाले 5,000 के आखिरी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले का खुलासा आज सीओ सिटी रुद्रपुर अभय सिंह ने अपने कार्यालय पर किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एलटी की परीक्षा हुई थी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, उसमें कुछ मुन्ना भाई के तर्ज पे लोगों को एक गैंग का सरगना है सर्वेश कुमार यादव, इसके द्वारा लगभग 10-11 लड़कों को डमी कैंडिडेट बना करके मूल कैंडिडेट की जगह पर बैठाया गया था। बाद में जब जांच हुई थी तो ये आया था कि कुछ लोग दूसरे की जगह पर परीक्षा दिए हैं। इसी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था रायपुर थाना देहरादून में, जो बाद में स्थानांतरित होकर के और ट्रांजिट कैंप आया था। उसी मुकदमे में वर्तमान में विवेचना इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार जी के द्वारा की जा रही है। इसमें कुल 11 अभियुक्त थे, जिसमें 10 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ये रिंकू यादव 11वां हमारा एक इनामी था, जो 5,000 का इनामी था, जिसको हमारी पुलिस और एसओजी की टीम ने कल मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने एमवीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के लिए किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि मतगणना कार्य के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है उन्हें समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। लक्सर के राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड में किसानों के साथ घटतौली के कार्य को लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कई बार मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। मामले की शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से लेकर उच्चाधिकारियों तक की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते किसान इस मामले को लेकर शुगर मिल तौल कांटे के सामने धरने पर बैठ गए। जैसा यह घटतौली पकड़ी गई, घटतौली पकड़ी गई, जो ग्रोस कांटे पर ट्रॉली आई वो मेरी अपनी थी। मैं कल इन्हें वार्निंग भी देकर गया, मैं कहा यहाँ का इंडेंट गड़बड़ा रहा और तोल का जो सिस्टम है वो भी गड़बड़ा रहा, इसे आप सही कर लो। इन्होंने मुझे कहा अग्नु को हम 2 दिन में इसे सही कर लेंगे। बिल्कुल सचिव साहब को भी कहा, मैं मिल वालों को नहीं कहा, सचिव साहब को भी कहा, लेकिन उसके उपरांत इन्होंने कहा पहले हम तो मई लेंगे, तो पहले हमारे वाली ट्रॉली ली इन्होंने, उसमें ग्रोस कांटे पर अगर ट्रॉली आई 91-20 उसका वेट हुआ 91-90, उसके बाद इन्हीं के कांटे पर हमने बाहर नहीं तोल कर लाए, इन्हीं के कांटे पर अंदर लाए,
तो उसका 93 कितना हुआ? 93-20 हुआ। फिर वो ट्रॉली है तुलवा के लेके गड़बड़ होगी थी, उसी पर चलो उसमें फिर वो जो का तू वही आया 93-20 जो उस पता वही उस पता। जब कांटे पता उतर जा ट्रॉली तभी ये कंप्यूटर से सेट कर लो। कमांड जो चलती है वो कंप्यूटर से चलती है। एक पंकज सक्सेना वो बहुत अच्छे नंबर ले रहा है, फैक्ट्री वाला उसे बहादुरी देता और बहुत अच्छा अधिकारी है। देखिए किसानों की शिकायत पर आज ये मामला प्रकाश में आया है कि यहाँ पे घटोली का जैसे कुछ कार्य यहाँ पे चल रहा है और ये संज्ञान में आया कि काफ़ी टाइम से इस मामले में इनके द्वारा लापरवाही की जा रही थी। इसमें कुल मिलाकर किसानों का ही नुकसान इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। तो जैसे कि अभी हमारे यह किसान एक भूपेंद्र सिंह सनोप के रसी अपनी एक ट्रॉली लेकर आए थे यहाँ पर, तो ट्रॉली पर जो वजन आया था वो 91.9 क्विंटल आया था। उन्होंने जब इन्होंने दूसरे कांटे पर जो चीनी का आटा होता है जो बिल्कुल सही चलता है जो किसानों को भी उस पर विश्वास है और विभाग को भी, उस पर हमने जो वजन किया था 93.2 क्विंटल इसमें प्राप्त किया गया। कुल मिलाकर 1.3 क्विंटल की घटतौली इसमें जो है प्राप्त हुई है। तो इस बारे में जो आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार वो की जाएगी। मुनि की रेती में आने वाले चार धाम यात्रा के मद्देनजर मुनि की रेती थाना क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुनि की रेती लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजा है, जिस पर अगर पुलिस मुख्यालय ने मुहर लगाई तो तीनों थाना क्षेत्र की पुलिस एक ट्रैफिक प्लान पर काम करेगी, जिससे कि ऋषिकेश मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद रहेगी। इसमें सभी कर्मचारियों का सम्मेलन लिया गया, उनसे उनकी व्यक्तिगत सामूहिक समस्याओं के बारे में पूछा गया। इसके अतिरिक्त इनके जो थाने में विवेचनाएं हैं, मालखाना है और अभिलेख हैं, CCTNS है, इनके किस तरीके का काम चल रहा है इसमें, इस तरीके ये जो है इस बारे में अभी मैं जानकारी कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियाँ ट्रैफिक के लिए विशेष रूप से फोकस करने हेतु और इसके अतिरिक्त रात्रि गश्त और अपने चौकी और थाने के कर्मचारी हैं उनको आपदा के लिहाज से तैयार रहने के लिए, और पुरानी विवेचनाएं जो 2021 की अब तफ्तीशें हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गुणदोष के आधार पर निर्देशित किया गया है। IIT रुड़की में 3 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वर्चुअल संबोधन करना था लेकिन तकनीकी कारणों से उनका संबोधन नहीं हो पाया। वहीं इस मौके पर IIT रुड़की NIH जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जल प्रबंधन, सूखते जल स्रोतों को लेकर चर्चा हुई। रुड़की IIT पिछले 2020 से वो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम आयोजन कर रहा था। पिछले साल हुआ नहीं कि बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से नहीं हुआ था, पर इस साल फिर दोबारा रुड़की वाटर कॉन्क्लेव करके एक प्रोग्राम कर रहा है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स को बुला के वाटर के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो इस बार थीम ही वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेंस का है। ये दोनों चीज़ बड़े इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देश में वाटर सिक्योरिटी का अभी फिलहाल इशू मुद्दा आ रहा है। ऐसा नहीं कि पानी एकदम नहीं है, बट पानी अगर हम इसी तरह पानी को वेस्ट करते जाएंगे तो भविष्य में पानी की किल्लत आ सकते हैं। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है ये, क्योंकि इसका जन्म रुड़की में ही हुआ है, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का, और उसका सेकंड एडिशन चल रहा है। NIH हमारा पार्टनर डायरेक्टर NIH हमारे साथ हैं, ये हमारे पार्टनर, हम लोग दोनों मिल के साथ कर रहे हैं। और हम लोग ने ये महसूस किया कि रुड़की में काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं जिनको पानी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो शायद पॉलिसी लेवल पे उतना नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उन लोगों तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ जाए अगर हम उसको ज़मीन पर नहीं उतार पाएंगे तो उसका जनता को लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कैसे इसको जो है पॉलिसी में ला सकें, इससे जनता को उसका लाभ मिले। और इसीलिए आप देखेंगे कि अनलाइक अदर कॉन्फ्रेंसेज में इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं।
पौड़ी के सतपुली तहसील में नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसकी तहरीर थाने में नाबालिग युवती के परिजन की तरफ से दी गई। वहीं छेड़खानी करने वाला व्यक्ति युवती के गांव का ही बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सतपुली के क्षेत्र अंतर्गत एक मामला 25 फरवरी 2022 में हमारे उसमें तहरीर के द्वारा एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि एक लड़की के साथ में छेड़खानी हुई है। मामले में हमने FIR दर्ज कर लिया है। इसके साथ साथ में जो बालिका है उसका हमने मेडिकल करा दिया है और तथा मामले को हम रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय को भी हमने अवगत करा दिया। थराली के नारायण बगड़ ब्लॉक के सरायू, रैगांव, टाला, नंदगांव, देवार सहित दर्जनों गांवों में जंगली जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से उनकी खेती बाड़ी की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अधिकतर किसान जंगली जानवरों से परेशान हैं और ऐसी स्थिति पिंडर घाटी के लगभग सभी गांवों की है, जहाँ जंगली जानवरों के उत्पात से लोगों के खेत खलिहान लगातार बंजर होते जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को रोजगार के लिए शहरों पर ही आश्रित होना पड़ रहा है। पहाड़ों से पलायन की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ स्थानीय लोग जंगली जानवरों के कारण कृषि से अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। और हम यहाँ पे हमारा गाँव है ये, और 3 सालों से तो हमने कोई भी फसल की प्राप्ति नहीं की है, और हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारे गांव के चारों तरफ घेराबाड़ी हो, तारबाड़ की व्यवस्था हो, ये चाहते हैं हम प्रशासन से। और ना तो हमने कहीं कोई शिकायत दर्ज की है अभी तक, लेकिन ये है कि चाहते हैं कि करें, आगे कुछ करें हम। और हमारा तो गाँव भी बहुत दूर है, ना यहाँ पर आने जाने के साधन हैं कुछ, यातायात के साधन भी कुछ नहीं है, रोड ही नहीं है तो यातायात भी कहाँ से होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन हमारी सुने और हमें कुछ मदद दें। खाने पीने के लिए तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, खेती में तो हो ही नहीं रहा है कुछ, इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी मदद करें। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ग्राम सभा में एक बैठक करें और हमारे सरपंच साहब, प्रधान जी और हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग सभी इकट्ठा होकर के आगे एक वो करें, वन विभाग के लिए सूचित करें कि हमको कोई सुरक्षा दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जंगली जानवरों को कहीं और रखें, और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ ये सुअर ये इत्यादि इनकी व्यवस्था करें। तो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, काल परसों आपने देखो 2-3 महीने पहले की गोबर डाला, आज जब कितने बड़े हो गए हमारे, जो तो बंदरों ने उनको दिन में तो ऐसा कर दिया कि ठीक ठाक, अब फिर रात को भूर का खोड़। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन के दौरान धधकते जंगलों के कारण वन संपदा को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है, इसके साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है, प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख जाते हैं। ऐसे में वन प्रभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए वनों को आग से बचाया जाएगा। वनाग्नि नियंत्रण के लिए तकनीकी का प्रयोग करने वाला रुद्रप्रयाग वन प्रभाग प्रदेश में पहला प्रभाग है। ऐप को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी लिंक किया गया है। प्रभाग की सभी 7 रेंजों की गूगल मैपिंग करने के साथ ही वनकर्मियों के मोबाइल भी ऐप से जोड़े जा रहे हैं। फायर के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप का निर्माण किया गया था, और इस साल उसी ऐप को और उसी सिस्टम को हमारे द्वारा थोड़ा अपग्रेड किया गया है, और व्यापक स्तर पर गाँव में गोष्ठियां की जा रही हैं हमारे संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा, और ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में ऐप को जो है इंस्टॉल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं भी अग्नि लगती है या घटना होती है तो जियो टैग फोटो खींचकर कोई भी नागरिक जो है उसकी सूचना सीधे हमारे मास्टर कंट्रोल रूम को भेज सकता है। हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में जो फायर सीजन में हमारे द्वारा जो सचल अग्नि दस्ते बनाए गए हैं उनकी जो है लोकेशन ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, तो वाहनों की ट्रैकिंग हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में की जा रही है। तो इस सिस्टम के आने से हमारा जो रिस्पांस टाइम है अग्नि की सूचना मिलने से लेके और अग्नि पे जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस होता है, जो टीम पहुंची है, वो कम होने की जो है वो संभावना है। तो ऋषिकेश में भरत मंदिर के महंत अशोक प्रपन्नाचार्य की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें 100 से ज्यादा युवा रक्तदान कर चुके हैं, जबकि 300 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य आयोजकों की ओर से निर्धारित किया गया। वहीं रक्तदान को लेकर युवाओं में भी खासा जोश देखने को मिला है। मैं ऋषिकेश नारायण की तपस्थली भरत मंदिर में आज ये महंत अशोक प्रपन्न शर्मा जी की स्मृति में आज ये ब्लड डोनेशन का यहाँ विशाल रक्तदान शिविर लगा गया है, जिसमें सभी ऋषिकेश, 14 बीघा, ढालवाला, मुनि की रेती, ITPL के आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक सभी लोग। और यह हमारा जो इस टाइम हमारा लक्ष्य है ब्लड डोनेशन का, इसमें हमारे IMA और अपना सरकारी हॉस्पिटल जोली ग्रांट और हमारा स्टेम 300 का टारगेट है कि 300 लोग आके यहाँ ब्लड दें और वो ब्लड किसी ना किसी रूप में हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करें। उत्साह बहुत ज़्यादा है, जो नए बच्चे जो है 18 साल से ऊपर के जो पहली बार रक्तदान करने आ रहे हैं, हमने अभी 4-5 दिन पहले सबको सूचना देनी शुरू करी थी, तो आज मतलब बहुत भारी उत्साह में रक्तदान करने के लिए लोग आ रहे हैं। यह रक्तदान शिविर प्रत्येक वर्ष होता है, किन किस स्मृति में किया जाता है? ये पूजनीय स्वर्गीय महंत श्री अशोक परपन्नाचार्य जी की स्मृति में ये कैंप प्रतिवर्ष किया जाता है। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है? अभी तक लगभग 100 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और हमारा टारगेट 300 से ऊपर का है। कहाँ के डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान किया जा रहा है? ये IMA देहरादून, सरकारी अस्पताल ऋषिकेश। मैं ये कहूँगा कि रक्तदान बहुत बड़ा महादान है, इससे हम जो खून देंगे दूसरों की जान बचेगी, दूसरों की सेफ तो होने। मैं सबको ये जरूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर रक्तदान करें। और मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी हैं बुजुर्गों को ये कहूँगा कि ये रक्तदान जो हो रहा है, गरीब लोग, जो लोग को रक्तदान नहीं मिलता है, उनके लिए हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।